एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आज है सोमवती अमावस्या और हम लोग जा रहे हैं, देखिए फेरी लगाने। फेरी लगाया जाता है यहाँ से निकलते हैं ना, वो रास्ते में खड़ी होगी, उसको बोल दीजिए। हाँ, उसको तो बोले हैं निकल जाएगी। नीतू दीदी तो यहाँ पे है नहीं, गाँव पे है। छह बजे जाने वाले थे, पौने छह बजा दिए, पौने सात हो गए। 10 मिनट ये लेट करवाई, लाडल लाडल चिल्ला के। तो हम कहते हैं जाके बोल के आ रही, खाली बाल झाड़ रहे हैं, बाले झाड़ रही है। तो तार फोन आए लगी बाल इतना ना उजड़ रहा है झाड़े में, आके नहीं सुलझा ला चोटी इतने के। हम तो बाले नहीं झड़ ले, देख लो वह झाड़े में, मैं बाल ही नहीं झाड़ी हूँ भाई। हम खाली अब भाई लेट तो हो गई है, अब क्या ही किया जा सकता है, लेकिन हमें कौन समझाए। हम दोनों ही मतलब तीनों जन आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तेरी वजह से लेट हुआ। ऐसे करते करते हम मंदिर जा रहे थे। नीतू दीदी मिस यू। नीतू दीदी को हम लोग भाई मिस कर रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे, गाँव पे है। नीतू दीदी की जगह पे मेरी देवरानी है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही हम परिक्रमा करने के लिए, फेरी लगाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन धूप इतनी तेज हो रही है आजकल कि उससे बचने के लिए हम लोग बाद में डिसाइड किया कि नहीं, हम 6 बजे ही निकल जाते हैं। लेकिन 6 बजे तो नहीं निकले, काम करने में थोड़ा सा लेट हो गए और अभी जाके मतलब 7 बजे हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। लेकिन अभी का मौसम भी एकदम सही लग रहा था, रास्ते में आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और ये समय सही रहता है, अच्छा लगता है सुबह सुबह। देखिए अभी कोई बहुत जन आए भी नहीं है। अब तक चल गया, हवा बहुत तेज है, धूप है और दिया जला ही है। हाँ, धूप जला दो, सही है वही ना। धूप वो देखो जल जाता क्या होता है। अभी तो ऐसे करके ना आते हैं, टिक दिए तो हाँ आओगे तब गिराओगे। नाक पे सिंदूर गिराई रे बाबा, इतना मानते है तुमको जी जाए की कोई लड़का पर मुझे आवाज लगती, खाली बदनाम करती है लड़की। तो हम मार देख ना, बहुत से हाथ ना नाक पे गिर गए, ये तो हम मान ले वाला मोनी से ना मारा। ओ हो 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 हो, लेकिन तू तुम कर लो कि नाम ले तू प्रॉब्लम।
गिरो चाहे मन हम दुख मन मार जाल पर ना लगवा ला तू हो कमाई के शादी है इंकर 19 अनु हो 21 तारीख मई में हां मई में शादी होला हर मई में पड़ गई बहुत लोग ए तो हमार देवरानी के अल्पना के तहार दीदी के सबके तो मई में पर सात मई तार विदाई भइल रहे आ दिन ओकर शादी के साल गिरा रहे ई मौस तो पहिले मौस जीती है हमर 6 मई के आइ दई हम हमर 6 मई के नु बिदाई आ जे ई लो ढोल ला पहिने ललु रे 5 मई के शादी 6 मई के बिदाई ओकर हां उसके सुबह हां हमे के ढोल ला पहिने रे ई पहिने जला कहीं कहीं हमनी के कहां बनल बा ओ भक्त चढ़ावेला नु रहना चाहल ताग पर ढोल ना कहत रु हां तो हमनी के एथी सिनहोड़ा में डाल देले बनी जा यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में शायद ना आए कि ढोलना एक्चुअली होता क्या है। दीदी ने जब ढोलना कहा तो मुझे भी एक्चुअली ध्यान नहीं आया कि किस बारे में बात हो रही है, लेकिन जब ताक पात ढोलना मतलब अचानक से मुझे याद आया कि हाँ वो जेठ चढ़ाते हैं अपनी बहुओं को, मतलब जब गहना चढ़ाया जाता है उस रस्म को ना हमारे यहाँ गुरहत्थी कहा जाता है। गुरहत्थी जब होती है उसी वक्त वो एक धागे में बना हुआ कुछ गहना टाइप होता है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो मुझे मेरा सोने का है या कैसा है, लेकिन हाँ ये चीज़ याद है कि स्क्वायर साइज में एकदम पतले से पत्ते की तरह है। लेकिन हाँ मैंने वो कभी पहना नहीं है, मेरी बहनों के भी गले में मैंने किसी को भी नहीं देखा है। मुझे इतना याद है कि वो चीज़ मैंने अपने सिंदूरदानी में, मतलब जो सिन्होड़ा जिसे कहा जाता है ना, उसमें हमने डाल दिया है, मैंने तो डाल दिया है। अब 13 साल पहले की बात है, थोड़ा ध्यान से उतर गया है कि वो क्या है, सोने का है या चांदी का, मुझे इतना ध्यान नहीं है। हाँ वट सावित्री में जब इस बार ओपन करूँगी ना तो ज़रूर इस बात को ध्यान दूंगी कि कैसा है और कैसा दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि वो कैसा है, लेकिन हमारे यहाँ जेठ जी अपनी बहुओं को गहने और कपड़ों के साथ वो चीज़ भी चढ़ाते हैं जिसे ताक पर ढोलना कहा जाता है। बच्चे पता नहीं घर पे हैं कि स्कूल चले गए। ई बगे दिया हमने के लास्ट ले हमार हो गइल अब जाके जिगा ना पूरा तेल खत्म है ठीक है ना देखा हमार तेल एथी हो गइल अब आ रही है वट सावित्री। यहाँ पे रहता तो कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा हम कर ये से फॉल से हो जाता ना तो क्यों ना बोली रे बुची जब क्यों को हाँ क्यों ना बोली आई मैं खोज के ना हो सकता हाँ। पूछ रहा था ना दीदी से पूछ लीजिए वट सावित्री की पूजा भी अभी आ रही है और यहाँ पे हमने इतनी अच्छी तरह से पूजा की थी ना और हवा इतनी अच्छी चल रही थी। हाँ दिया जलाने में बहुत मुश्किल हुई थी हमें, लेकिन कोई नहीं, हमारा दिया तो बहुत अच्छे से, मेरा तो बहुत अच्छे से जला था। और लेकिन सोच रहे थे कि वट का अगर कोई टहनी लेके यहीं पर हम लोग पूजा कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये है एक्चुअली पीपल का पेड़ तो उसके नीचे तो होगा नहीं वट सावित्री की पूजा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ आते हैं कि घर पर ही कर लेते हैं, अभी पता नहीं कुछ भी। ए हम नहीं वाले चलो बिल चाहती चलो दीदी बाय 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 अरे धूप
कितना बच गया? 8:30 हाँ 40 हो रहा होगा। चलो चलो वही तो पूछ रहे थे कब तक आओगी। पूजा करके जब तक हम घर पहुँचे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 7 बजे से लेकर 8:45 तक हम लोग घर पहुँचे थे। अच्छा ये था कि हम नाश्ता वगैरह सब कुछ बना के आए थे तो सुशील जी ने आरुष को अच्छे से खिला पिला के भेज दिया था स्कूल, तो ये एक अच्छी बात हो गई थी। घर आने के बाद मैंने अपना दुर्गा चालीसा का पाठ किया, वो अभी तक मैंने नहीं किया हुआ था। सुबह पूजा तो जल चढ़ा के गई थी सूर्यदेव को, लेकिन अभी मैंने चालीसा नहीं पढ़ा है तो जा रही हूँ पढ़ लेने। नमो नमो दुर्गे सुपानी नमो नमो अंबे दुपानी रामारे ज्योति मारे त्यूरो दोस्तों ये था आज का मेरा बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। आशा करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा देखकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आएगा दुर्गा नवमी के पहले दिन का, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।